हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय चैनल। आज मैं आपको बुनाई में वो चीज़ बताने जा रही हूँ जो हर किसी को, जो विगनर है उनको ज़रूर मालूम होना चाहिए। जैसे हम कोई भी डिजाइन, कोई भी पैटर्न सीखते हैं तो मेन बात, सबसे बेसिक चीज़ जो है वो मैं बताने जा रही हूँ, जिसको हर विगनर्स को सीखना चाहिए, तभी वो आगे डिजाइन भी बना सकते हैं। हर कोई पैटर्न या स्वेटर जो भी बना सकते हैं तभी बना सकते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस या वर्ड्स सीखने के लिए हम बच्चे को ABCD या क ख बताते हैं तभी वो वर्ड को पढ़ सकता है या सेंटेंस को पढ़ सकता है। उसी तरह जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, एक डिजाइन या स्वेटर बनाने के लिए, कोई भी पैटर्न सीखने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। प्लीज देखिएगा, ये देखिएगा, ये मैंने कुछ फंदे डाल रखे हैं और एक सिलाई निकाल रखी है। फ्रेंड, जब भी हम कोई पैटर्न बताते हैं या फिर कोई डिजाइन बताते हैं, हम बोलते हैं कि कुछ फंदे सीधे निकालो, कुछ उल्टे करो, ऐसा बोलते हैं। कुछ विगनर्स होते हैं, पता नहीं चलता है किसको उल्टा बोलते हैं, क्या सीधा होता है, कौन से फंदे सीधे होते हैं, किस तरह उल्टा निकाला जाता है। वही फ्रेंड मैं बिगनर्स को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, अभी हम सीधा उल्टा नहीं पहचानते तो आगे का हम कोई भी पैटर्न नहीं बना सकते। ये देखिए, ये सीधी साइड को है, ये देखिए। अब मैं सबसे पहले सीधा किसको बोलते हैं या सीधा फंदा किसको कैसे निकालते हैं या सीधा फंदा कैसे बिना जाता है वो बताने जा रही हूँ। देखिए, ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए, ये फंदा है ऐसे, ये सीधा मैं बिन रही हूँ पीछे से, ये इसको सीधा फंदा बोलते हैं। ये देखिए, ये स्पेशली मैंने विगनर्स के लिए बना रखा है, जिसने कभी बुनाई नहीं करी है, जो फर्स्ट बार बुनाई कर रहे हैं या कोई पैटर्न सीख रहे हैं। ये देखिए, ये इस पूरी सिलाई को मैं सीधे निकालूंगी। कैसे निकालते हैं, ये उल्टे साइड को है ऐसे, ये देखिए, ये है, हमने सीधे ऐसे करा था, अब उल्टी सिलाई हम ऐसे डालते हैं। ये उल्टे फंदे हैं या फिर उल्टे, जब हम उल्टे फंदे बोलते हैं, उल्टी सिलाई बुनाई करते हैं तो ऐसे निकालते हैं उल्टे फंदे। ये इन्हीं दो चीजों पे पूरा पैटर्न या फिर कोई भी डिजाइन बेस्ड होता है, जब ये आते, क्योंकि कोई भी बुनाई में हम सीधा या उल्टा फंदे का ही आगे पीछे इधर उधर वही करके कोई भी बिनाई हम डिजाइन बनाते हैं। ये देखिए, ये उल्टा, ये देखिए, अब सीधे में सीधा,